क्योंकि इतना इतना तेज होता है सब कुछ, आपको कुछ पता नहीं लगता. उन्होंने इंडिया बोला और एकदम से क्राउन लेकर आ गए, यू नो, क्राउन मेरे सिर पर लगा दिया और अब तक मैं शौक में ही चल रही थी. तो बहुत ही अमेजिंग बात है. और मुझे यू नो अगले दिन पता चला कि कितना मुझे सपोर्ट मिल रहा है पंजाबी लोगों से, इंडिया के लोगों से और पूरे वर्ल्ड से. जितना मुझे सपोर्ट मिला फिर मुझे पता चला कि वाकई में बहुत बड़ी चीज़ हुई है. बारो किधर अपने इंडिया पहुँचे किदा का लग्या, हमें किधर सिर के उत्ते ताज लैके किधर पंजाब अपने हिंदुस्तान की धरती पर पहुँचे? अभी कल ही मैंने दिल्ली में लैंड किया. उधर बहुत ही अमेजिंग मुझे होम कमिंग वेलकम दिया लोगों ने. ढोल बजे, भंगड़ा हुआ एयरपोर्ट में ही, बहुत अमेजिंग था. पंजाब की मिट्टी की खुशबू ही अलग है और मुझे घर आकर इतना अच्छा लगा क्योंकि सबसे वार्म वेलकम मुझे यहाँ ही मिला घर पर. तो सब तो ज़्यादा घर के बीचों सब तो ज़्यादा मदर और फादर दे. सो एक्चुअली जब से मैं छोटी थी मैं स्कूल में बहुत अच्छी करती हूँ, यू नो, मैं अपना सारा, जब भी मैं कुछ करती हूँ मैं अपना सारा उसमें 100% एफर्ट, एनर्जी, फोकस, डिटर्मिनेशन, हर चीज़ डालती हूँ. तो स्कूल में मैंने शुरू से बहुत अच्छा किया. मैंने कॉलेजेस में अप्लाई किए, यूनिवर्सिटीज़ में, US में, कैनेडा में, और मुझे हर जगह से एक्सेप्टेंस मिली क्योंकि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया इसके लिए. बट जब आपका कोई ड्रीम है, जब आपका पैशन है, तो आप उसको नो नहीं बोल सकते. माँ प्यो अपने कुड़ी नू अगे वधना चाहते हैं तो कुड़ियाँ अगे वधना चाहदियाँ तो उत्थे माँ प्यो उन्हां नू रोक देंदे ने. तुहाडे वल्लों की मैसेज है उन्हां दे माँ प्यो नू? आई थिंक ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है. यू नो, हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ कभी कभी लोग लड़कियों को यू नो पीछे पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक बात नहीं है. क्योंकि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता फिर मैं आज इधर ना बैठती, मैं ये कहानी नहीं बताती, यू नो. क्योंकि आपको पता नहीं आपकी बेटी में या बेटे में कितना पोटेंशियल है, वो उनको भी नहीं पता जब तक वो ट्राई नहीं करते. तो एज अ पेरेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अगर यू नो जन्म दिया है एक लड़की को या लड़के को, आप उनको हर अपॉर्चुनिटी दो, हर सपोर्ट, मोटिवेशन दो, ताकि वो अपना बेस्ट कर पाए और अपने आप को प्राउड कर पाए, यू नो. देश का नाम रोशन किया कितने उत्थे ही पंजाब के जलंधर शहर का भी नाम रोशन किया. साढ़े ना रीचा जी है, क्या वेलकम टू जलंधर तो पंजाब किसी जगह. थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्ते, सत श्री अकाल. मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं इस चैनल पर आई हूँ. थैंक यू सो मच फॉर योर वेलकम. बारो किधर अपने इंडिया पहुँचे किदा का लग्या, हमें किधर सिर के उत्ते ताज लैके किधर पंजाब अपने हिंदुस्तान की धरती पर पहुँचे? अभी कल ही मैंने दिल्ली में लैंड किया. उधर बहुत ही अमेजिंग मुझे होम कमिंग वेलकम दिया लोगों ने. ढोल बजे, भंगड़ा हुआ एयरपोर्ट में ही, बहुत अमेजिंग था. और आज मैं इधर पंजाब में आई हूँ फाइनली, अमृतसर में, और अब जलंधर में मैं घर आई हूँ. और इधर ये पंजाब गुरुओं की धरती है. इधर पहुँच कर मेरा दिल खुश हो जाता है क्योंकि पंजाब की मिट्टी की खुशबू ही अलग है. और मुझे घर आकर इतना अच्छा लगा क्योंकि सबसे वार्म वेलकम मुझे यहाँ ही मिला घर पर. मिस इंडिया छोटी उम्र दे विच बन गए, सोच किद्दा सी हाँ भी मैं मिस इंडिया दी? आई थिंक सोच मेरी शुरू से ही थी. मेरा बहुत देर का गोल रहा है कि मैं मिस यूनिवर्स बनूं, एंड आई एम सो ग्रेटफुल मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं मिस इंडिया बनूं, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करूं. और यू नो 10 सालों के बाद हमने जीता ये वाला टाइटल मिस सुपर टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड, जो कि मुझे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा. एंड आई थिंक अभी ये तो ये स्टार्ट है, बहुत कुछ रहता है अभी बाकी करने के लिए. सब तो ज़्यादा घर के विचों किदी सपोर्ट रही तो? आई थिंक मेरे पेरेंट्स और मेरे सिस्टर ने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया. मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती, जब मुझे अपने अंदर फेथ नहीं था तो उन्होंने मेरे में फेथ शो किया. उन्होंने मुझे हर रोज़ मैसेजेस भेजी कि मैं, मुझे बताने के लिए, यू कैन डू इट रेचल, कि आप अमेजिंग हो, आप कुछ भी कर सकते हो. और यू नो उससे मुझे मोटिवेशन मिली, एनर्जी मिली, क्योंकि ये सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. जब आप किसी यू नो आप अपनी फैमिली से इतना प्यार करते हो और वो आपको सपोर्ट जब शो करते हैं तो वो आपको कहीं तक भी लेकर जा सकता है.
ਕਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਔਰ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ? ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਚੂਸਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਪਹਿਲੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਔਰ ਮਦਰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ? ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਰ ਔਰ ਫਾਦਰ ਦੀ? सो एक्चुअली जब से मैं छोटी थी, मैं स्कूल में बहुत अच्छी करती हूँ, यू नो मैं अपना सारा, जब भी मैं कुछ करती हूँ मैं अपना सारा उसमें 100% एफर्ट, एनर्जी, फोकस, डिटर्मिनेशन, हर चीज़ डालती हूँ। तो स्कूल में मैंने शुरू से बहुत अच्छा किया, मैंने कॉलेजेस में अप्लाई किए, यूनिवर्सिटीज़ में, US में, कैनेडा में, और मुझे हर जगह से एक्सेप्टेंस मिली क्योंकि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया इसके लिए। बट जब आपका कोई ड्रीम है, जब आपका पैशन है, तो आप उसको नो नहीं बोल सकते क्योंकि आपका दिल हमेशा उसकी तरफ जाएगा। और मैंने अपनी स्टडीज़ को भी नो नहीं बोला, वो भी मैं कर रही हूँ ऑनलाइन, साथ में मेरे बिजनेसेस हैं इधर, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, वो भी मैं कर रही हूँ, और साथ में मैं अपना मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स का जर्नी कर रही हूँ, क्योंकि आपको हमेशा अपना हार्ट, अपने पैशंस फॉलो करने चाहिए। एक पासे होर भी गल करिए कि जो माँ प्यो अपनी कुड़ी नूं अग्गे वधना चाहुंदे ने ते कुड़ियां अग्गे वधना चाहुंदियां ते उत्थे माँ प्यो उन्हां नूं रोक दिंदे ने, तुहाडे वल्लों की मैसेज है उन्हां दे माँ प्यो नूं? आई थिंक ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है, यू नो हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ कभी कभी लोग लड़कियों को you know, पीछे पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक बात नहीं है। क्योंकि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता फिर मैं आज इधर ना बैठती, मैं ये कहानी नहीं बताती, यू नो क्योंकि आपको पता नहीं आपकी बेटी में या बेटे में कितना पोटेंशियल है, वो उनको भी नहीं पता जब तक वो ट्राई नहीं करते। तो एज अ पेरेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अगर you know, जन्म दिया है एक लड़की को या लड़के को, आप उनको हर अपॉर्चुनिटी दो, हर सपोर्ट, मोटिवेशन दो, ताकि वो अपना बेस्ट कर पाए और अपने आप को प्राउड कर पाए, यू नो। 10 साल बाद किताब जो है भारत दे देश नूं जित के तुसीं लैके आए हो, तो कदों जित सी उदों उस किताब लैके उदों मन दे विच होया होएगा मैं सोचा नहीं सी आवी जिहड़ी इस लाइन तक पहुँच सकांगा? डेफिनेटली आई थिंक मैंने ना बोला था कि मैं जीत कर आऊँगी, पर जब उन्होंने मेरा नाम बोला, इंडिया बोला, तो मुझे यकीन सा नहीं हुआ क्योंकि इतना इतना तेज़ होता है सब कुछ, आपको कुछ पता नहीं लगता। उन्होंने इंडिया बोला और एकदम से क्राउन लेकर आ गए, you know, क्राउन मेरे सिर पर लगा दिया, और अब तक मैं शौक में ही चल रही थी। तो बहुत ही अमेजिंग बात है, और मुझे you know, अगले दिन पता चला कि कितना मुझे सपोर्ट मिल रहा है पंजाबी लोगों से, इंडिया के लोगों से और पूरे वर्ल्ड से। जितना मुझे सपोर्ट मिला फिर मुझे पता चला कि वाकई में बहुत बड़ी चीज़ हुई है। सबसे ज़्यादा बात करें कंपनी को, किसकी आपके सपोर्ट ज़्यादा रही कंपनी के साथ? हाँ, ज़्यादा मैच होना होते हैं उस सबसे ज़्यादा पहल में आपको कैसे होता है, कोच होता है, सबसे ज़्यादा कोचिंग में किसका नंबर वन में? आई थिंक दैट मैं इस चीज़ के लिए मुझे गॉड ने डिज़ाइन किया, you know, और उसी चीज़ के साथ साथ मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस चीज़ के लिए बहुत सपोर्ट किया, you know, क्योंकि जब से मैं छोटी थी उन्होंने मुझे सिखाया कि आप अपना वॉइस यूज़ करो, अपने पैशंस फॉलो करो, हमेशा हार्ड वर्क करो, और यही वाली चीज़ें इकट्ठे you know, होकर इन्होंने मुझे आज you know, मिस इंडिया बनाया और मिस वर्ल्ड बनाया। छोटी उम्र दे विच बिजनेस भी है, मिस इंडिया भी बने, हुण अगला वार्ड भी तैयारी भी शुरू हो चुकी है, क्या इस दे बाद क्या पॉलिटिक्स दे विच तां नहीं आना चाहुंदे? आई हैव नो आइडिया मुझे अब दुनिया कहाँ लेकर जाएगी। मैं हमेशा पानी की तरह फ्लो के साथ चलती हूँ। अभी तो पॉलिटिक्स का कोई प्लान नहीं है, पर मेरा गोल है कि मैं you know, पंजाब, इंडिया, पूरे वर्ल्ड में जितने भी यंग लोग हैं उनको इन्फ्लुएंस कर पाऊँ और बता पाऊँ कि उनमें कितनी पोटेंशियल है। चाहे वो अभी तो मैंने एज़ मिस इंडिया एंड एज़ मिस सुपर टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड किया, अब अगले साल मैं एज़ मिस यूनिवर्स करना चाहती हूँ, और उसके बाद अगर वो पॉलिटिक्स में हुआ तो वैसे होगा, वरना मैं अपना वॉइस अपने पूरी लाइफ में हर रोज़ यूज़ करूँगी दूसरे लोगों को उठाने के लिए और पूरे वर्ल्ड को you know, बेटर प्लेस बनाने के। मन दे विच है मैं पॉलिटिक्स दे विच आना चाहूँगी? आई रियली डोंट नो। अभी आई थिंक आपको बस यूनिवर्स के साथ चलना पड़ता है, वो जहाँ आपको यूनिवर्स लेकर जाएगी आप उधर को चलो, है ना। अज भी केड़ा यूथ है नशे वालों सब तो ज़्यादा पज रहा है, तो ही नाम एक पंजाब का नाम दीते जलंधर शहर का भी नाम रोशन किया, कि यूथ नू की मैसेज देना चाहते हो जो यूथ अज भी नशे दी पानी दे विच डूबे?
मैं बोलना चाहती हूँ कि ये जो स्ट्रगल है नशों के साथ, ये इजी नहीं है, क्योंकि एक बहुत ये स्ट्रॉन्ग एडिक्शन होती है और ये चीज़ें छूटती नहीं है आसानी से. और एक तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम गवर्नमेंट साइड से रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाएं ताकि लोगों को हेल्प मिल पाए, क्योंकि अगर किसी को हेल्प चाहिए, ये चीज़ें छोड़नी है, तो उसके लिए हमें हेल्प देनी चाहिए. और ये छोड़ने के लिए बहुत ही अंदर मेंटल और इमोशनल और फिज़िकल स्ट्रेंथ चाहिए होता है, जो कि ईजी नहीं है. पर अगर आप ड्रग्स कर रहे हो, आप एक तरह से आप अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो. जो आपकी पूरी पोटेंशियल है, आप उधर तक कभी नहीं पहुंच पाओगे. और अगर आप वो नहीं कर पाओगे, आप अपनी लाइफ की ट्रू जो मतलब है, जो पर्पस है, वो आप नहीं फुलफ़िल कर पाओगे. तो आपको वो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है. जब मैंने पापा से बात की, पापा का ये कहना था, पूरा ध्यान इन्हों का उसमें ही होता था. रात के दो दो बजे, तीन तीन बजे तक आप सवालों के जवाब भी लिखते रहते थे, सारा कुछ करते थे. परिवार को कब टाइम देते थे, अपनी लाइफ को कब टाइम देते थे? आपने बोला ऑलरेडी कि मैं बहुत कुछ करती हूँ, राइट? मैं स्टूडेंट भी थी, मैं बिज़नेस भी अपना खोल रही थी नया, द ग्लैम बार, रियल एस्टेट भी कर रही थी, मिस इंडिया का भी कर रही थी, मिस वर्ल्ड का प्रिपेयर कर रही थी, और ये सारी चीज़ें साथ साथ हो रही थी. तो मैं बहुत ही बिज़ी थी, बट आई थिंक बैलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. चलो, करियर की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, पर आपको फैमिली टाइम और अपने सेल्फ के लिए टाइम निकालना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना क्या ही लाइफ है आपकी. छोटी उम्र में तीन तीन चार चार चीज़ें आपने रखी है. बिल्कुल बिल्कुल. और उम्र तो एक नंबर होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता. आप जब से आपने डिसाइड किया कि मैंने कुछ करना है, तब से आपकी लाइफ शुरू होती है, और उम्र का उसमें कोई लेना देना नहीं है. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. ऐसी साढ़े नाल वर्ल्ड जो है नाम रोशन करके पंजाब का और जलंधर शहर का नाम रोशन किया, उन्होंने एक यूथ नू यह भी मैसेज दिता हैगा, जो नशे वाले यूथ भज रहा उसनू नशे तो दूर होकर जो है अपना टैलेंट वो दिखाना चाहिए. कैमरामैन लाडी के नाल सोनू महाजन, जगबानी टीवी जलंधर.